ये देखिए ये मिल्क है 63 ग्राम, गया ऑयल 63 ग्राम, ठीक है, इक्वल रेशियो। और इस पर खासा टाइम लग जाता है, और चूंकि हमने अपने एग और उसकी जो शुगर है उसको जो इतना फुलाया होता है, उसको मकसद ये होता है कि वो स्पॉन्ज अच्छा सा फूले और स्पॉन्जी बने, ना कि वो बैठ जाए। और उसको बिठाना ही तो नहीं होता हमने ना, अगर उसको बिठाना ही है ये सारा कुछ करके, तो फिर फ़ायदा क्या उसको इतनी मेहनत करके ऊपर लाने का। ओके जी, आफ्टर 25 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह गोल्डन केक रेडी है। अगर मैंने इसको हाथों से मिक्स किया होता ना, तो इसने 1.5 इंच और ऊपर आना था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वनीला केक है। वनीला केक की ऑलरेडी एक रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन बेसिकली ये ऑर्डर है और वनीला हेज़लनट कैरमल केक है ये। इसमें हेज़लनट स्प्रेड जाएगी, कैरमल सॉस जाएगी, सम आलमंड्स जाएंगे, और जो थीम है वो है ऑडी कार थीम केक। तो चलें आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको वनीला स्पॉन्ज बनाना सिखाऊंगी, फिर कैरमल सॉस बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद केक की फ्रॉस्टिंग सिखाऊंगी, ठीक है। फ्रॉस्टिंग के ऊपर कैसे आप लोग शुगर शीट अप्लाई कर सकते हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये 3 पार्ट में वीडियो आएगी और आप लोगों ने काइंडली इसको देखना है हर पार्ट। पहला पार्ट इसका वनीला स्पॉन्ज का होगा, सेकेंड पार्ट इसका कैरमल सॉस का होगा, थर्ड पार्ट जो है इसकी फ्रॉस्टिंग का होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वनीला स्पॉन्ज की रेसिपी शेयर करती हूँ। ओके जी, यहाँ सबसे पहले ये देख लें, 8 इंच का मोल्ड है, उसको मैंने हमेशा की तरह ऑयल लगाकर उसको ऊपर मैदा डाल के उसको डस्ट कर लिया है और अपना पैन रेडी कर दिया। 2 पैन मैंने कर दिए रेडी, ठीक है। ये साइड पे रखेंगे। ये 6 अंडे हैं, उसके अंदर 200 ग्राम चीनी जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज है मेरा, बहुत फेमस स्पॉन्ज है मेरा। अब इसको हम करेंगे बीट हाई पीक पर, और हमेशा की तरह एक ही रो में घुमाना है, लेकिन आप लोगों ने इसको रोकना नहीं है। बताने का मकसद ये है कि अंडे रूम टेम्परेचर्ड होने चाहिए, कभी भी ठंडे अंडे इस्तेमाल नहीं करने। अब मैं अगेन स्टार्ट कर रही हूँ और इसको हाई पीक पर ले जाकर फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक ही राउंड में घुमाते जाना है और इससे कुछ ऊपर आ जाना है। कितना अच्छा ये आया। अच्छा, आप देखिए हमेशा की तरह, जैसे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जो मैंगो केक मैं बना रही थी, ये ले, टिक गया, रुक गया, ठीक है। ये देखा, रुक गया, ये नहीं गिर रहा, ड्रॉप नहीं गिर रहा, इसका मतलब कि ये परफेक्टली बीट हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये मिल्क है 63 ग्राम, गया ऑयल 63 ग्राम, ठीक है, इक्वल रेशियो। ओके, ये गया बेकिंग पाउडर, ओके, ये भी गया 5 ग्राम बेकिंग पाउडर है, ये देखिए फ्लावर 200 ग्राम, 200 ग्राम शुगर थी और 200 ग्राम ही फ्लावर लेना, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम। ये देखिए ऐसे करके डालना है, ओके। अब ये आप इस कर ले लें, जिन लोगों को मसले मसाइल हैं जी हाथ नहीं डालने तो आप यूँ कर लें, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो चीज़ हाथों ने मिक्स करनी होती है वो ये नहीं करता, ठीक है। ये बिठा देता आपके स्पॉन्ज को। तरह से मिक्स करते जाए, बीटेड स्पॉन्ज को मिक्स करना ही एक महारत होती है। अगर ये मैंने हाथों से मिक्स किया होता तो अब तक इसने मिक्स हो जाना था, लेकिन चूंकि मुझे डिमांड आई है
कि जी हमें हाथों के बगैर भी मिक्स करना, मतलब किसी टूल के साथ मिक्स करना बताएं, लाइक जो ये विस्कर है, तो ये तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, फोल्डिंग वाला। और इस पे खासा टाइम लग जाता है, और चूंकि हमने अपनी एग और उसकी जो शुगर है उसको जो इतना फुलाया होता है, उसको मकसद ये होता है कि वो स्पॉन्ज अच्छा सा फूले और स्पॉन्जी बने, ना कि वो बैठ जाए। और उसको बिठाना ही तो नहीं होता हमने ना, अगर उसको बिठाना ही है ये सारा कुछ करके, तो फिर फ़ायदा क्या है उसको इतनी मेहनत करके ऊपर लाने का, उसके अंदर एयर ऐड करने का, इससे तो सारी एयर उसकी निकल जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ ऐसी हैं कि ड्यूरिंग द क्लास भी जब मैं करवा रही होती थी ना, तो यही बात चल रही होती थी, नहीं ऐसे नहीं करना, ये क्या फिर हम में और बेकरीज में क्या डिफरेंस रह जाएगा। भाई जो चीज़ प्रोफेशनली होती है वही बतानी है ना, जो चीज़ जैसे इस्तेमाल हो रही है, जैसे की जा रही है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हो जाएगा। लीजिए सारा मैंने ऐड कर दिया, ओके लीजिए। इसलिए मैं स्लो वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और ये तीन पार्ट में मैं इसको सेंड करूँगी। बिस्मिल्लाह, पहले ऊपर, ठीक है, पहले अच्छे से ऊपर, फिर नीचे ऊपर, देखिए ताकि लंग्स ना बन जाए, फिर नीचे। ऐसे ही जब हम एग वाइट सेपरेटली और एग योक और शुगर सेपरेटली करते हैं तो उसकी भी यही एक कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, चूंकि इसके अंदर ऑयल और मिल्क होता है तो ये देखिए वो नीचे बैठ गया, ठीक है, ये देखिए ये, और अब ये जो स्पॉन्ज है ऑलमोस्ट 70% फूलेगा, जबकि इसको 90% फूलना चाहिए। ये मैं इसलिए करके बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि जो चीज़ हाथों से की जाती है वो हाथों से ही होती है। और अगर इसको हाथों से मिक्स किया हो तब तक हो जाना था और इसमें इतना ही रहना था, नीचे आने ही नहीं था। इक्वली डालना है, ये देखिए बह गया ना ऑयल नीचे। बस ये चीज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी ताकि आपको पता चल जाए कि भाई जो हाथों वाला कमाल है वो हाथों वाले ही है। जो चीज़ें हाथों से होनी होती हैं वो हाथों से ही होती हैं, आप जो मर्जी कर लें। और ये एक्सपेरिमेंट्स मैंने इस क्लास में भी बच्चों को बताए हुए। ओके जी, आफ्टर 25 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह गोल्डन केक रेडी है। अगर मैंने इसको हाथों से मिक्स किया होता ना तो इसने 1.5 इंच और ऊपर आना था, ठीक है। इसको हम करते हैं आउट। लो भाई आ जाओ तुम भी, ये देखिए ये 2-2 पाउंड के 2 केक बन गए हैं। ओवन कर दिया मैंने बंद और इसको आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह, ठीक है।